हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत करता हूँ करण प्रताप टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, अगर आप एयरटेल का यूजर हो, अगर एयरटेल का सिम चलाते हो, तो आप उसमें ज़रूर सोचे होंगे कि मैं उसमें म्यूजिक मतलब उसमें रिंगटोन कैसे लगाऊँ। रिंगटोन जो आउटगोइंग होता है, जो किसी आपको फ़ोन किया तो उसको रिंगटोन जो आप उसमें ऐड करेंगे कॉलर ट्यून, उसको किस तरह से उसको ऐड करेंगे मतलब उसमें सेट करेंगे उस नंबर पर। आपको बहुत सारे ऐसे होता है कि मतलब आप रिचार्ज कम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम रहता है कि इसमें सेट नहीं होता है, महीने भर के लिए होता है या दो महीने भर के लिए होता है। अगर आप चाहे तो उसमें आप रिंगटोन काफी लंबा टाइम तक उसमें सेट कर सकते हैं। आपको मैं एक स्टेप में बताऊंगा, अगर वो स्टेप आप करते हैं तो आप रिंगटोन हमेशा की तरह उसमें सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ फोन के स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे ओपन करना। तो प्ले स्टोर में ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको सर्च में लिखना है एयरटेल म्यूजिक। तो मैं एयरटेल म्यूजिक लिख के सर्च कर लेता हूँ। आप भी ऐसे जैसे स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे ही करना, नहीं तो मुझे कमेंट में बोलेंगे फिर करण भैया आप कुछ गलत ही बता देते। एप्लीकेशन को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन से ही आपको सेट होगा। अगर आप बहुत सारे होता है कि मतलब कॉल करके ये करके वो करके वो फलना चिलना अलग अलग रहता है, जो किसी को सेट नहीं होता। जैसे आपकी डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद देखते हैं जैसे प्रोसेसिंग चल रहा है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जैसे डाउनलोड हो चुका है तो फ्रेंड्स इसको मैं करता हूँ इसको ओपन। तो ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से जो कि एयरटेल म्यूजिक को मैंने ओपन डाउनलोड किया था यहाँ से ओपन हो रहा है। तो देख सकते हैं ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो फ्रेंड जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ से सारे आपको रिंगटोन मिल जाएंगे। अगर आपकी फ़ोन में एयरटेल का सिम रहने चाहिए, उसके बाद मैं कोई सा एक म्यूजिक पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये म्यूजिक को मैं लेता हूँ, उसके बाद देख सकते हैं सेट हेलो ट्यून, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से कुछ आपको प्राइम पूछ रहा है पैसे के लिए, तो यहाँ से ऑल कॉलर ट्यून पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेट पे क्लिक करेंगे। सेट पे क्लिक करने के बाद तो फ्रेंड जैसे आपको कॉलर ट्यून सेट हो जाएगा, उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा। जैसे कि मैं देख सकते हैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद अपना मैसेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, और मैसेज ओपन करने के बाद देख सकते हैं जस्ट में आपको दिख रहा होगा, ये जस्ट में देख सकते हैं हेलो कॉलर ट्यून यहाँ से सेट हो चुका है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो वो कॉलर ट्यून पे मुझे ले जाएगा। तो आप इस तरह से आप अपने फोन में एयरटेल के सिम में कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर दें इस चैनल के कमेंट में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।